राजगढ़ जिले का जिला चिकित्सालय भवन अभी बने हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे। पहले भी इसकी अनियमितताओं के बारे में कई बार शिकायत की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कोरोना की इस वैश्विक महामारी में जिला चिकित्सालय भवन के ICU वार्ड में भर्ती मरीजों का हाल बहुत बुरा रहा। सोमवार की रात जब पानी बरसा तो ICU वार्ड में पानी जोर जोर से टपक रहा था। ICU वार्ड 80 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था और पूरा जिला चिकित्सालय 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। अब आप समझ सकते हैं कि इंजीनियर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भ्रष्टाचार और मिलीभगत का यह जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। देखना होगा क्या सरकार इन जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करती है या इनको बचाने की कोशिश करेगी। अब आप सुनिए मरीजों की जुबान से ICU वार्ड का हाल। ये राजगढ़ का कोविड वार्ड है, ICU है, जिसमें इस तरह से पानी टपक रहा, हमारे मरीज परेशान हो रहे हैं और यहाँ कोई सुन भी नहीं रहा है। इस तरह ये नंबर 1 वाले पलंग भैया, इनके पलंग पे पानी गिर रहा है, पीछे से दीवार की उधर से आ रहा पूरा, और पानी में बैठे हुए। नहीं वो उधर वाले कंप्लेंट करवा, साइड वाले चले जाओ मेरा।